हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस करने के कुछ बहुत ही सुपर इजी और बेसिक से स्टेप, जिनको फॉलो करने से आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वेट लॉस करने में। तो आपको किस तरह की डाइट लेनी है, आपको अपनी डाइट में सबसे पहले तो छोड़ना क्या होगा, राइस छोड़ना होगा और मीट छोड़ना होगा और शुगर हो गई, मैदा से बनी हुई चीज़ें हो गई, फास्ट फूड हो गया, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसकी जगह पर आपको किसको प्लेस करना पड़ेगा, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड लीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए और दही लीजिए। इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं और जो डाइट है अपने रूटीन में लाइए। और उसके बाद पानी की मैं बात करती हूँ, तो पानी को कम से कम 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना है। और स्पेशली सुबह जब आप उठते हैं तो गुनगुना पानी 2 ग्लास पीना है, जिसमें आप नींबू ऐड कर सकते हैं या फिर शहद ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 ग्लास पानी में आंवले का 1 ढक्कन रस और 1 ग्लास पानी में 1 ढक्कन एलोवेरा का रस, 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने में। और खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए और आराम से खाइए, क्योंकि आप हमेशा नोटिस करना, अगर आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हो तो आप शायद 2 की जगह 3 रोटी खा सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में खाने का पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वो ईजी डाइजेस्टेबल नहीं होता है। इसलिए खाने को बहुत ही अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका खाना डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और एक धीरे धीरे खाना खाने से जो पेट आसानी से भरता है और रोटी आप कम खाओगे, यानी कि कुछ भी जो आप खा रहे हो खाने में वो खाना आप कम खाओगे। और खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, खाना खाते टाइम या खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है आपको। और कोशिश यही करिए कि आपके जितनी भी मील हैं, आप दिन में जितनी बार भी जो भी खाने वाले हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी आप खाना जो भी आप खाते हो। और शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 7 या 8 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इससे क्या होगा, आधा टाइम आपका व्रत की तरह हो जाएगा, जो कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है एकदम इससे आपका ठीक रहेगा। और ब्रेकफास्ट किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद, यानी कि 10 से 12 घंटे ना खाने के बाद में आप अगर सीधे अगर लंच का वेट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है और जो भी खाना है आपको हल्का खाना है। और रात में आप हल्का खाना खाइए, लाइक दलिया, खिचड़ी, सूप, सैलेड, जो भी खाना है रात में भी हल्का खाना खाइए, दिन में थोड़ा सा हैवी खाना आप खा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, तो एक्सरसाइज तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी जो होती है वेट लॉस करने के लिए, रस्सी कूदिए आप, सबसे आसान ट्रिक है ये, रस्सी कूदिए। रस्सी कूदने से मैंने बहुत लोगों का नोटिस किया, बहुत ईजली जो फैट बर्न बहुत जल्दी होता है। और खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर बिल्कुल भी मत जाइए, लेटिए बिल्कुल भी नहीं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद आराम से थोड़ा सा वॉक करिए। वॉक नहीं कर सकते, सबके घर में सीढ़ियाँ होती हैं, 10 बार सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, खाने को डाइजेस्ट हो जाने दीजिए। इमोशनल ईटिंग और ओवर ईटिंग से आपको बचना है। लाइक इमोशनल ईटिंग ये हो जाती है, आप कहीं पर या किसी के घर पर गए हैं, आपको किसी ने फोर्स किया, अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ले लीजिए, और वो चीज़ आपको आपके लिए हार्मफुल है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप मना कर दीजिए कि आपको नहीं खाना है। इतना आप अपने में ही एकदम लाइक प्रण ले लीजिए कि आपको चीज़ नहीं खानी है। और ओवर ईटिंग का ये मतलब हो जाता है कि जैसे कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद होने की वजह से आपने ढेर सारी खा डाली, वो कर गई आपको नुकसान, तो ये आपको नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।